तो गाइस क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आपको, जो कि एक आर्टिस्ट की क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आज जा रहा हूँ शिमला के बाल रोड और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा आज मैं कि किस तरह से वहाँ पे एक पेंटर और उसके साथ एक को पेंटर थी, उन्होंने पूरे माल रोड का नक्शा ही चेंज कर लिया। मतलब ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है उनकी। तो अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं वो फाइन आर्ट्स में। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो के साथ पूरा बने रहे और देखिए इस वीडियो को पूरा। तो गाइस मैंने आपको इसलिए बोला कि लास्ट तक देखिए वीडियो, क्योंकि मैं पहले इंटरव्यू लूँगा, फिर इंटरव्यू के बाद मैं आपको सारी की सारी क्रिएशन दिखाऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी वो क्वेश्चंस। गाइस सपने साथ ही था आदित्य सिंह ठाकुर भाई, ठीक है ना मैंने। और ये है पेंटर और अभी ये मास्टर्स कर रहे हो आप? हाँ, फाइन आर्ट्स में। अच्छा, फाइन आर्ट्स में। तो मतलब यहाँ का क्या, आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ मिला है? हाँ, ये डीसी ऑफिस की तरफ से है, ये हिमाचल गवर्नमेंट 50 इयर्स हिमाचल के कंप्लीट होने पे यूनिवर्सिटी पे, मतलब हर जगह ये वॉल पेंटिंग्स और ये सब करवा रही है हर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अच्छा। शिमला में जो मॉल रोड पे हो रही है ये हम कर रहे हैं, मैं हूँ और एक मेरे साथ जमुना है। अच्छा, जमुना। अच्छा, मतलब काफ़ी सारी पेंटिंग्स आप देखेंगे मॉल रोड पे, जितनी भी हो रही है सब हम कर रहे हैं। ओके, सो भैया यहीं से है, लोकल शिमला से ही है। और जो आपके पार्टनर है वो भी शिमला में ही रहती है स्टार्टिंग से, बट वो है नेपाल से। सो गाइस मैं भैया को काफ़ी टाइम से देख रहा था इधर और मैंने इनसे कांटेक्ट किया पहले और यहाँ पे मैं आ गया हूँ आज। तो आपने कितनी टोटल कितनी पेंटिंग बनाई है? ये अभी हम फिफ्थ वॉल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब हम और भी करनी है एक दो वॉल। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब काफ़ी जगह कर ली अभी। डोमिनोज के सामने हो रही है? हाँ, ये वाली डोमिनोज के सामने है मॉल रोड पे, मतलब 4-5 तो अभी बना दिए हमने। अच्छा, और अभी और बनानी है। और अच्छा, मतलब नहीं, मतलब एक पेंटिंग में टोटल डेज कितने लगते हैं? एक वीक, 5 days टू एक वीक। अच्छा, इतना लग जाता है? हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बहुत, है, बहुत बड़ी 20 फुट की बॉल है। अच्छा, 20 फीट से कम कोई बॉल नहीं, 20 feet 15 feet, तो टाइम लगता है। हाँ सही बात है। और अगर अच्छा से करना है तो टाइम तो लगेगा ही, अगर हम करने लगे अगर फॉर्मेलिटी तब तो एक दिन में भी मैं कर लूँगा, टाइम लगता है। बट अच्छी पेंटिंग, गुड वर्क्स नीड अ टाइम। भैया ने बड़े बड़े ड्रेड्स भी रखे हुए हैं, ये आपके ओरिजिनल है कि ओरिजिनली है? कुछ ओरिजिनल बन गए थे, फिर थोड़े बनवाए। अच्छा बनवाए। अच्छा, काफी साल हो गए, मतलब पहले खुद बनने शुरू हो गए थे करली बाल से। अच्छा अच्छा, उसके बाद थोड़े बहुत बनवाए। तो मतलब इस डीसी ऑफिस वगैरह से कमीशन क्या हिसाब किताब है, मतलब जैसे आपको पर पेंटिंग कितना? ये वाली वॉल तो हम एमसी की तरफ से कर रहे हैं। अच्छा, म्युनिसिपल मॉल रोड पे काम करते हुए देखा तो एमसी वाले खुद आए थे, एमसी के जो यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हमारी भी कुछ वॉल्स कर दो। अच्छा अच्छा, तो हम उनके लिए भी कर रहे हैं। अच्छा, पहले डीसी ऑफिस मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था, तो एक कमेटी थी जैसे प्रोफेसर्स टीचर्स वगैरह की, कौन कर सकता है वॉल पे। अच्छा, अगर ज़्यादा सीनियर आर्टिस्ट ले ले तो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर रिकमेंड सबने किया, जैसे मेरा नाम और जमुना हूँ। अच्छा, कि इतनी बड़ी वॉल्स पे, क्योंकि पहले का देखा होगा आपका काम हो गया। पहले देखा हुआ है, हमारा पोर्टफोलियो था ना इस टाइप का कि हमने पहले बहुत बड़ी बड़ी वॉल, मैंने वॉल्स की हुई है पहले भी। ओके, और जगह भी। ओके, मतलब कुछ होटल्स में कुछ कैफेज में। ओके, तो फिर उस अकॉर्डिंगली हमारे को मतलब ये काम मिला है। अच्छा अच्छा, पेंटिंग्स छोटी तो बहुत लोग करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन पोर्टफोलियो में चाहिए ना कि आपने इतना बड़ा काम किया है पहले। हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे पर पेंटिंग आपको कितना मतलब कॉस्टिंग पड़ रही है? पर पेंटिंग कम ही है, काफी कम है, मतलब डिपेंड कर रहा है कोई मतलब स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंगली है। अच्छा अच्छा, 270 रुपीज स्क्वायर फीट है। अच्छा, मतलब कम ही है, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब हम दो लोग कर रहे हैं तो। अरे काफी है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप अभी खुद भी स्टूडेंट हो। मतलब मेन मॉल रोड पे काम हो रहा है जहाँ रोज आना है। अरे ये तो मेरे घर से भी ज्यादा है, मैं भी कर लेता ये तो चलो। तो मतलब काफी लोग आपको जाना है इस वजह से? हाँ वो भी है काफी, ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने भी आपको तभी जाना जब से एक महीने से हम यहाँ पे मॉल रोड पे कर रहे, तो सब लोग देख ही रहे हैं, पूरा लाइव देख रहा है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। सही बात। और अगर कोई पेंटिंग का शौकीन है हमारे व्यूवर्स, तो आप उसको कुछ एडवाइस देना चाहोगे? जो तो जूनियर है उसको तो पहले कॉलेज जाना चाहिए, आर्ट कॉलेज है यहाँ पे शिमला में, म्यूजिक डांस पेंटिंग
कल्चर अप्लाइड इसी का। हाँ सही, मैंने भी बैचलर्स पहले वहीं से की है। कहाँ, किस जगह से किया? कोटचरा में, ये फाइन आर्ट कॉलेज कोटचरा के पास ही है बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं चौड़ा मैदान में। नहीं तो और स्टेट्स में भी और आर्ट कॉलेज है आपको, उसके बाद कोई भी क्षेत्र चले गए? हाँ मैं मास्टर्स करने को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, क्योंकि यहाँ बैचलर्स थी, मास्टर्स थी नहीं हिमाचल यूनिवर्सिटी में कहीं। हिमाचल में जिस सब्जेक्ट में मैं कर रहा हूँ ना कमर्शियल आर्ट में, उसमें यहाँ मास्टर्स नहीं थी, तो मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गया फिर। ओके, मतलब ज़्यादातर जो जूनियर उनको तो यही करना है, मतलब कमर्शियल काम कम थोड़ा ये सोचते कि हम पेंटिंग करें पैसे कमाएं। चार पांच साल सीखना पड़ेगा तभी होगा। हाँ, उसके बाद ही हो सकता है, क्योंकि पहले प्रोफेशन में आना पड़ेगा ना। हाँ, इस प्रोफेशन मतलब पहले तो बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही वॉल्स कर सकते हैं इतनी बड़ी। अब ये सोचते हैं ना कि मतलब जैसे मैं कॉलेज के सेकंड ईयर थर्ड ईयर से एग्जीबिशन करता हूँ, ये करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। तो ये आप पेंट कौन सा यूज कर रहे हो कुछ बताओगे? इमल्शन है ये, मतलब कि क्या ये वाटरप्रूफ टाइप होता है क्या ये? इसके ऊपर हम वार्निश और वार्निश कर लेते हैं, इसको खराब नहीं होता है। मतलब अच्छा, मतलब खराब नहीं होगा काफी टाइम तक, चार पाँच साल होता है। हाँ, मतलब इसके ऊपर तो जैसे शेड है। अच्छा, लेकिन नीचे से मिट्टी थोड़ी ऊपर आती है। हाँ, तो शेड से ये सेफ रहेगा, कुछ जो है उसमें शेड नहीं है तो उसमें थोड़ा, क्योंकि शिमला का वेदर बहुत खराब होता है। ओके, बट ये खराब नहीं होता, वार्निश कर देंगे ना, वार्निश करने के बाद नहीं होता ना। अच्छा, तो गाइस ये इतनी तगड़ी वाली पहाड़ियाँ, इसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको जो ये वाला इधर? अरे यार, मतलब आज की टाइम पे तो इसमें और फिनिशिंग वगैरह लग नहीं है कुछ? अभी नीचे काम होगा इसमें पूरा, ये तो सिर्फ बैकग्राउंड है। अच्छा अच्छा, बैकग्राउंड में जाएगी। तो गाइस ये वाला था इंटरव्यू, अभी साइक पेंटिंग भी दिखाऊंगा आपको। तो जितना भी काम हुआ है सब कुछ जितना मेरे को दिखेगा, बाकी अगर कोई बैक साइड में बनाई होगी भैया ने तब मेरे को। अच्छा अच्छा, तो ये थी सारी वीडियो। तो गाइस जिन भाई साहब से अभी इंटरव्यू चल रहा था उनकी अभी सारी क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, तो बारी बारी से देख सकते हो आप। सही वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो आज की वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, अपने भाई का नाम इंस्टाग्राम हैंडल आदित्य सिंह ठाकुर अंडरस्कोर आर्ट। हाँ, तो आदित्य सिंह ठाकुर अंडरस्कोर आर्ट ये इनका इंस्टाग्राम आईडी, और मेरे को भी करना आई एम द नवीन इंस्टाग्राम आपको बताइए। तो थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।